गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम अगेन इन इंग्लिश क्लास। इन लास्ट वीडियो वी वेयर लिसनिंग ए स्टोरी मून इन द पॉन्ड। सी दिस पिक्चर्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 7। सी दिस पिक्चर्स। लास्ट क्लासेस में हम देख रहे थे कि कैसे रैबिट और टर्टल एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत ये वियर वुल्फ और फॉक्स को पानी में पॉन्ड में उतरने के लिए मजबूर कर देते हैं। इनके अनुसार मून जो था वो पानी में था और इसे निकालने की बात हो रही थी। खरगोश ने ये बात भी बैठा दी थी कि मून के पास में हमेशा पैसे की थैली होती है और ये सब मिलकर हम चाहेंगे तो उसको कैश भी कर सकते हैं। और ऐसा सुन करके बियर आगे अपना काम करता है, वो हम बुक से देखेंगे। लुक एट योर बुक। ओह, सो इट इज। Why did not you say so sooner? Bear stepped into the pond in high excitement with a splash. Wolf and Fox too followed closely. They went right into the middle of the pond. Where the moon lit, they dragged neat through the water but failed to trap the moon. खरगोश के कहने पर कि मून पॉन्ड में है और उसके पास हमेशा पैसे की थैली होती है, बियर ने कहा कि ये बात तुमने आगे क्यों नहीं कही। और वो अपना पाँव बढ़ाता है पॉन्ड की ओर और उसको फॉलो करते हैं उसके दोनों दोस्त भी, वुल्फ और फॉक्स भी। दे ड्रैग्ड, ड्रैग मीन्स वो पुल करते हैं, अर्थात जो पानी का जो रुकावट होता है उसको पुल करते हैं, ढकेलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। बट इन वेन, लेकिन ये फेल होते हैं क्योंकि वो किसी भी हालत में मून को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि मून वहाँ पर होता ही नहीं। ये बातें तुम भी समझ रहे होगे। दे ट्राइड अगेन एंड अगेन स्टील द मून, दे थ्रस्ट द वाटर विथ देयर आर्म्स, दे स्प्लैश्ड अबाउट सो मच दैट इट वॉज ए वंडर दे डिडंट एम्प्टी द पॉन्ड। लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, वे मून को नहीं पकड़ पाए और रैबिट और टर्टल जो पॉन्ड के बैंक में खड़े थे वो उन पर हंसे जा रहे थे, इसलिए कि उन्होंने इन तीनों को मूर्ख बना लिया था। लुक एट दिस पिक्चर्स। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। यू रीड द स्टोरी अगेन एंड अगेन फॉर योर सेल्फ। There is chapter dictionary also. You read these words. There are some meanings. You read it and try to understand. Open your book page number next to 8. There is chapter assessment, comprehension, you see the question number 1, tick the correct option and fill the answer.
देयर इज़ अ क्वेश्चन एंड देयर आर 1, 2, 3 ऑप्शंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस हैं और उनमें से जो कहानी के अनुसार जो टिक है उसको यहाँ पर टिक लगाना है बॉक्स में और इसको भरना है। फॉर एग्जांपल रैबिट वाज द मोस्ट ऑप्शन फनी सैड एंड देन हैप्पी, इन तीनों में बुक के अनुसार होगा फनी, तो हम यहाँ पर फनी लिखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। यू रीड दिस क्वेश्चंस केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यू कंप्लीट योर एसटी इन योर इंग्लिश नोटबुक। नेक्स्ट अंडरलाइन व्हाट इज रॉन्ग इन द गिवन सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल रैबिट एंड टर्टल वेयर वेरी गुड राइवल्स। रैबिट और टर्टल यहाँ पर अच्छे प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के विरोधी थे, तो ऐसा नहीं है बुक के अनुसार, वो प्रतिद्वंदी नहीं थे, एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो दोनों दोस्त थे। इसलिए जो वर्ड गलत है सेंटेंस में उसको गलत कर देना है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच मीन। यू सी योर चैप्टर डिक्शनरी एंड यू राइट हियर द वर्ड्स विच मीन डू समथिंग सीरियस टू अदर्स लाइक दिस। Children, in next video, we shall complete other chapter assessment. Thank you.